हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल्बुटामोल सिरप के बारे में। साल्बुटामोल सिरप की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे कि आपको मेडिकल स्टोर पर अपने किस नाम से मिलती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, ये कैसा काम करती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो साल्बुटामोल जो सिरप होता है दोस्तों, साल्बुटामोल जो सॉल्ट है वो बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक कैटेगरी की दवा होती है और इसको ब्रोंकोडायलेटर भी बोला जाता है। इसमें कुछ ब्रांड नेम आते हैं। आप अगर इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगे तो इसको आप इसके ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम से जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें कुछ फेमस ब्रांड नेम आती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है अस्थालीन सिरप। अस्थालीन सिरप जो कि सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये 19 रुपये में 100 ml का सिरप आपको मिल जाता है। इसके प्रत्येक 5 ml में 2 mg साल्बुटामोल होता है दोस्तों। दूसरा आता है इसमें बेंटोरलिन सिरप। बेंटोरलिन सिरप जो कि GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये सिरप 16 रुपये का मिल जाता है, जिसमें कि 100 ml आता है और ये भी 2 mg पर 5 ml के में होता है दोस्तों। ये सिरप जो इसके अंदर साल्बुटामोल होता है वो 2 mg पर 5 ml में, मतलब आप इसका 5 ml लेंगे तो आपकी बॉडी में 2 mg साल्बुटामोल पहुँचेगा। अब बात करें इसके यूजेस की, तो इसका जो यूज़ होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है खांसी को ठीक करने के लिए। जैसे कि खांसी कब होती है, जब जब किसी व्यक्ति को या किसी महिला को अस्थमा हो जाता है। अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि ब्रोंकाइज जो होती है उन पर स्वेलिंग आ जाती है, फिर सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, सांस नहीं ली जाती, कठिनाई होती है सांस लेने में, सांस की नली पर जो सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में, अस्थमा होने की कंडीशन में इस सिरप को लेते हैं आप तो वो अच्छा काम करता है उस चीज़ में, साल्बुटामोल या फिर अस्थालीन का जो सिरप है। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तब भी इस सिरप को दिया जा सकता है। उसको सांस फूलने लगती है उसकी, तब भी इस सिरप को दे सकते हैं। फिर उसके सीने में जकड़न हो सकती है, उसके सीने से ऐसा आवाज़ आएगी जैसे कि सीटी सी बजती है, सीटी सी बजने की सी आवाज़ आती है उसके सीने में से, तो तब भी इस सिरप को दे सकते हैं। COPD नाम की एक बीमारी होती है जिसमें, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उस कंडीशन में भी इस सिरप को दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें सांस फूलती है मरीज की, सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है, साल्बुटामोल या फिर अस्थालीन सिरप को। तो ये हुआ इसके इस्तेमाल। अब बात करते हैं इसको ये काम कैसा करता है दोस्तों आपकी बॉडी में जाकर। तो ये जो होता है एक ब्रोंकोडायलेटर होती है दोस्तों। ये क्या करती है, आपके एयरवे में, एयरवे की जो मसल्स होती हैं, आपके लंग्स के अंदर जो एयरवे होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं, उस मसल्स को रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो आपकी खांसी या फिर आपके जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसमें कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस दवा को लेते हैं तो। जैसे कि आपके हेडक, मतलब सिर दर्द होना, इस दवा को लेने के बाद अगर आपका सिर दर्द होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको सूट नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ आपको एकदम से झटके से लगेंगे या फिर आपको कपकपी सी हो जाएगी, फिर आपका चकराने लगेगा, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही। और थोड़ा बहुत नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इससे हटकर भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं और इस दवा को रोकें। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों की, प्रिकॉशंस की, मतलब कौन कौन ऐसे व्यक्ति महिलाएं हैं जो इस सिरप को नहीं लें, या फिर अगर वो लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खुद से इस सिरप को ना लें। ऐसी कोई महिला या व्यक्ति है जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में इस सिरप को उसके साथ में नहीं लेना है। एलर्जिक है कोई इस सिरप से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है उसको, तो वो भी इस सिरप को बिल्कुल ना ले। या फिर किसी का हार्ट बीट जो इरेगुलर होता है, हार्ट बीट उसकी ऊपर नीचे होती है, तो वो भी इस सिरप को बिल्कुल ना लें। ऐसे अगर कोई व्यक्ति लेते हैं तो वो खुद से भी इस सिरप को ना लें, अगर लेना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लें, खुद से इस सिरप को बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों हमने आपको साल्बुटामोल या फिर अस्थालीन सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और को ये नॉलेज मिल सके या उनके वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।